हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम एक सवाल का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिवर्स ए नंबर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यू हैव टू डिस्प्ले द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इन रिवर्स ऑर्डर, राइट। जैसे ये सैम्पल आउटपुट मेरे को मिला 6578 4383, तो रिवर्स ऑर्डर में डिजिट्स प्रिंट होंगे वन बाय वन। सबसे पहले 3 प्रिंट होगा, उसके बाद 8, फिर 3, देन 4 8 7 5 6, ऐसे प्रिंटिंग होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। लेट सपोज एन की वैल्यू 32147, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए था, पीछे से ये डिजिट्स प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगी 7 4 1 2 3, मेरा आंसर ये आना चाहिए था। ठीक है, तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था काउंट डिजिट्स इन ए नंबर, तो उसी के सिमिलर होने वाला है ये सवाल। उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर मैं इस नंबर को 10 से डिवाइड करता हूं तो मेरा क्वेश्चन आता है 3214। साथ में मैं यहां पे रिमाइंडर भी देखना चाहता हूं, ये तो हमारा क्वेश्चन होगा, रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 7, राइट। फिर अब मान लो कि नंबर रिड्यूस हो गया 3214, 3214 में रिड्यूस हो गया। अब मैं दोबारा इसको 10 से डिवाइड करता हूं तो क्वेश्चन बनेगा मेरा 321 और रिमाइंडर आएगा 4। फिर 321 को दोबारा 10 से डिवाइड करता हूं, 10 से डिवाइड करने पे नंबर बनेगा 32 और इस बार रिमाइंडर आएगा 1। अब मेरा नंबर 32 बन चुका है, इसको 10 से डिवाइड करो, क्वेश्चन विल बी 3 एंड रिमाइंडर विल बी 2, राइट। मैं दोबारा इसको सॉरी दोबारा इसको 10 से डिवाइड करता हूं तो नंबर 0 बन जाएगा और रिमाइंडर मेरे पास आएगा 3। ठीक है, अगर जो मैं रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहा हूं उस रिमाइंडर को साथ के साथ प्रिंट करवाता जाता तो मेरा आंसर प्रिंट होता 7 4 1 2 3, 7 4 1 2 3, यही मेरे को जवाब चाहिए था। ठीक है, तो लॉजिक एग्जैक्टली काउंट डिजिट्स इन ए नंबर वाला सेम रहेगा, बस इस बार आपको क्या करना है, रिमाइंडर कैलकुलेट करो और उस रिमाइंडर को प्रिंट भी करवा दो। ठीक है, इतना सा फर्क है। लाइए इसे कोड करते हैं हम, एडिटर C++। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जब तक n की वैल्यू रिड्यूस हो के वो 0 नहीं बन जाता तब तक मैं n को 10 से डिवाइड करने वाला था। इनको 10 से डिवाइड करोगे एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा n में असाइन कराओ, उस क्वेश्चन की वैल्यू दोबारा n में असाइन कराओ, पर उससे पहले रिमाइंडर कैलकुलेट कर लो आप 10 के साथ। रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉडुलो ऑपरेटर को यूज करते हुए, n मॉडुलो 10, रिमाइंडर आ गया हमारे पास। मैं यहां से रिमाइंडर की वैल्यू प्रिंट करवाऊ, सी आउट रिमाइंडर एंड एंड ठीक है, रिमाइंडर की वैल्यू प्रिंट कराई, उसके बाद एन को रिड्यूस कर दो, एन इज इक्वल टू एन बाय 10, राइट। बस इतना सा कोड था, समझते हैं एक बार इसको दोबारा। जब तक एन की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक मैं क्या करने वाला हूं, इसको बार बार 10 से डिवाइड करता रहूंगा, राइट। तो 10 से डिवाइड करने पे उसकी आखिरी डिजिट को खो देते हैं। तो इस बार मैंने पहले क्या किया, रिमाइंडर निकाल लिया, मतलब उस आखिरी डिजिट को निकाल लिया और उस आखिरी डिजिट को प्रिंट भी करवा दिया, फिर चाहे उसे खो दो, राइट। तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, लाओ इसे चला के देखें, दिस इज वर्किंग फाइन, लेट सबमिट इट। ठीक है, हो गया सबमिट, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, थैंक यू वेरी मच।